नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। कोरोना की जंग में गुड़गांव नंबर वन, 31 लाख से अधिक लोगों को लगा टीका। इलाहाबाद उपचुनाव, जेजेपी ने निशान सिंह को बनाया चुनाव प्रभारी। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला होंगे सह प्रभारी। हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद आज से शुरू। सरकारी खरीद शुरू होने से मंडियों में धान की आवक तेज। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना की जंग में गुड़गांव प्रदेश में नंबर वन बन गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक 31,40,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है, क्योंकि कोरोना ने अपनी पहली व दूसरी लहर में जमकर तबाही मचाई थी। महामारी से न केवल लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई बल्कि लोगों को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी, जिससे जिले में अब तक 923 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि 1,80,246 लोग कोरोना से जंग जीतकर अपनी मुख्य धारा में लौट चुके हैं। ज्ञात हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना को महामारी घोषित किए जाने के बाद से 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन अभियान जरूर चलाया गया। बताया गया कि पूरे हरियाणा में अब तक गुड़गांव में सबसे ज्यादा 31,40,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इस लिहाज से कुल आबादी का 125% टीकाकरण किया जा चुका है। अधिकारियों के माने तो प्रदेश में टॉप 5 जिलों में पहले पर गुड़गांव, दूसरा फरीदाबाद, तीसरा अंबाला, चौथा करनाल, जबकि पांचवें नंबर पर सोनीपत जिला टीकाकरण में शीर्ष पर है। विभाग के अधिकारियों की माने तो रूरल के मुकाबले अर्बन क्षेत्र में अब तक सबसे ज्यादा 60% लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। विभाग की ओर से अभियान अभी भी जारी है। विभाग की ओर से इसके लिए RWA व सरपंचों आदि की मदद ली जा रही है। इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव 30 अक्टूबर को है और इसको लेकर जननायक जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रभारी, सह प्रभारियों में सहयोगियों को नियुक्त कर दिया है। जेजेपी की तरफ से उपचुनाव के लिए पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह को प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्री अनूप धानक और जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं इनके सहयोगी के तौर पर प्रदेश महासचिव एवं पूर्व विधायक कृष्ण कंबोज, प्रदेश महासचिव एवं पूर्व विधायक रामवीर पटौदी व वरिष्ठ युवा नेता सुमित राणा को जिम्मेदारी दी गई है। यह निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह, राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने एक बैठक में लिए हैं। जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष एवं पार्टी के इलाहाबाद उपचुनाव के नवनियुक्त प्रभारी सरदार निशान सिंह ने कहा है कि गठबंधन सरकार की दोनों पार्टियां बीजेपी जेजेपी मिलकर मजबूती के साथ इस उपचुनाव को लड़ेंगी और जीतेंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन का मजबूत उम्मीदवार होगा और उसे इलाहाबाद की जनता अपना आशीर्वाद देते हुए सरकार के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद उपचुनाव में आम आदमी पार्टी कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता अंबेडकर भवन कलायत में देर रात कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे। प्रेस वार्ता कर उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाने साधे। आम आदमी पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती, क्योंकि उपचुनाव लड़ने से एक व्यवस्था नहीं बदली जा सकती। क्यों अभय चौटाला ने वहां से रिजाइन दिया, क्यों दोबारा लड़ रहा है? ये जो एक घमंड की या अपनी ताकत दिखाने की लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी नहीं लड़ती। आम आदमी पार्टी गरीब आदमी के लिए काम करती है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करती है और वही काम हम करें। इलाहाबाद में आपके कार्यकर्ता हैं, वो संपूर्ण रहेंगे आम आदमी पार्टी को समर्थन करेंगे? आम आदमी पार्टी अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। अगर कोई हमें आज़ाद उम्मीदवार बढ़िया दिखेगा जो आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों में विश्वास करता है तो उस समय सोचेंगे, परंतु आज की तारीख में हमने ऐसा कोई फैसला नहीं। पंजाब में काफ़ी उठा पलट हो रही है, मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, अध्यक्ष इस्तीफा दे दिया, आम आदमी पार्टी से डर के। भवानीखेड़ा पुलिस ने गांवपुर के खेतों में खाद चोरी करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों की पहचान गांव मंडाना निवासी दीपक व सोमवीर के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों ने गांवपुर के खेतों में बने कमरों से दो किसानों के करीब 50 कट्टे DAP और यूरिया खाद व अन्य सामान चोरी कर लिया था और भवानीखेड़ा पुलिस ने गांवपुर निवासी किसान अजय शंकर की शिकायत पर 2 अगस्त को अज्ञात चोरों के खिलाफ IPC की धारा 380 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था
और मामले पर कार्रवाई करते हुए भवानीखेड़ा पुलिस ने शुक्रवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया और दोनों आरोपियों से पुलिस ने 28 कट्टे यूरिया व डीएपी खाद बरामद की है। दोनों आरोपियों को आज जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपियों को जिला जेल भेज दिया गया है। आरोपी है दीपक व सोमवीर, दोनों ही मलाना गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने भवानीखेड़ा क्षेत्र के अंदर से पुर गांव के एरिया से खाद के कट्टे किसानों के ट्यूबवेल से चोरी किए थे, जिसमें आज इन दोनों आरोपियों को मुकदमा दो नंबर 282 डिक्टेड 28/2021 अंडर सेक्शन 380 IPC थाना भवानीखेड़ा में अरेस्ट किया गया है। कल अरेस्ट करके उनसे पूछताछ के दौरान इन्होंने हमारे थाने के चोरीशुदा मुकदमे की वारदात को स्वीकार किया और वहां से करीब 28-29 कट्टे DAP व यूरिया के चोरीशुदा माल मुकदमा बरामद कराया गया है, जिनको अहम मुकदमा जाने गिरफ्तार करके बम जुडिशल जेल भिवानी कराया गया। फरीदाबाद में कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को लग रहा है गांव के लोगों से जान का खतरा। जी हां, फरीदाबाद में कोरोना काल में भले ही स्वास्थ्य विभाग ने जी जान लगाकर लोगों को कोरोना महामारी से बचाव किया हो, लेकिन बावजूद उसके आम लोगों के मन में स्वास्थ्य विभाग के प्रति कोई संवेदना नजर नहीं आ रही है। यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ताजा मामला प्रतापगढ़ UPSC सेंटर का है, जहां पर ग्रामीणों ने UPSC सेंटर में ताबड़तोड़ कर दी और वहां पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि ग्रामीण UPSC सेंटर के ग्राउंड में वॉलीबॉल खेलते थे, जिस पर चार दीवारी होने की वजह से प्रतिबंध लग गया था और इसी से नाराज होकर उन्होंने UPSC सेंटर में तोड़फोड़ की। उन्होंने ग्रामीणों से जान का खतरा बताया। वहां के डॉक्टर मेरे पास आए थे कि कुछ शरारती तत्वों ने उनके कुछ कांच दरवाजे तोड़ दिए हैं उनकी PSC के और साथ में गार्डन है उनके, इसलिए मैंने उनसे कहा कि अपने लेवल पर एक FIR लॉज कराएं, जो कि उन्होंने कल करा दी थी। FIR लॉज होने के बाद पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई तत्परता से कर ली है और मेरे ख्याल से मामला सॉल्व हो गया। यदि दोबारा कोई ऐसा मामला सामना आता है तो क्या कार्रवाई होगी और क्या चेतावनी है उन लोगों को जिन्होंने ऐसे काम किया था? उन लोगों, बड़े दुख की बात है कि हमारे सारे डॉक्टर और कर्मचारी पूरी मेहनत से कोरोना वैक्सीनेशन कर रहे हैं, हर तरह की रिस्क ले रहे हैं, फिर भी वहाँ के कुछ शरारती तत्व अननेसरी आके इस तरह की हरकत करते हैं। मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई या कोई ऐसा काम ना करें जिससे समाज को नुकसान हो और हमारे डॉक्टर डर की वजह से आप लोगों की जिस तत्परता से सेवा कर रहे हैं उतनी सेवा ना कर पाएँ। पूरा मामला ये है जी, हमने इसकी बाउंड्री वॉल करवाई थी, इसमें हमें टाइल वगैरह बिछवानी थी ताकि हम अपना कायाकल्प वगैरह करा सकें, पेड़ वगैरह पौधे वगैरह साफ़ सफाई रख सकें। उसके लिए सरकार बार बार कहती है कि भाई सफाई करवा लो, मतलब ये है हम नहीं अपनी बाउंड्री करवाना चाहते थे, तो कुछ लोग जो हैं वो नहीं चाहते थे कि बाउंड्री हो या ताला बंद रहे इसका, डिस्पेंसरी का सरकारी जगह का। वो कहते हैं कि हमें यहाँ वॉलीबॉल खेलने के लिए चाहिए। हाँ, इतने सालों से हम बाउंड्री नहीं करवाया, हमने किसी के मतलब हाथ वगैरह जोड़ के अपने बाउंड्री का काम करवाया, पर ये नहीं चाहते। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान के अनुसार आज यानी 3 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू की जानी थी और किसानों को बकायदा फोन पर मैसेज भी भेज दिए गए कि धान लेकर आ जाइए, जिसके तहत ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर किसान शेड्यूल के अनुसार मंडी तो पहुंच गए लेकिन खरीद नहीं हुई। किसानों ने कहा कि यदि सरकार ने धान की खरीद नहीं करनी थी तो मैसेज क्यों भेजा, वहीं मंडी में भी कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद शुरू न होने की स्थिति में धान की डेयरियों में बड़ी मंडी लबालब हुई पड़ी है और लेकिन कोई भी खरीद नहीं हो रही है। 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होने की बात पर बड़ी संख्या में किसानों ने कंबाइन से धान की कटाई करा ली है। किसानों के घरों व खेतों में पर भी पड़ी ट्रॉलियों में धान की फसल लदी हुई है। ऐसे में धान खरीद को टाला जाना किसानों पर किसी वज्रपात से कम नहीं है। इस पर आढ़तियों में किसान नेताओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नहीं सर, कोई खरीद नहीं हो रही सर, सिर्फ कोरे आश्वासन है सरकार के, एक दाना भी नहीं खरीदा जा रहा मंडी में। कितना समय हो गया है आपको? मैं सुबह से बैठा हूँ यहाँ 8 बजे से। तो आढ़ती से मिले और आढ़ती से मिला हूँ जी, कोई अधिकारी नहीं आया धान खरीदने के लिए और मंडी में जो है ना आवारा पशु भी परेशान करते हैं, धान की कोई खरीद नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से। जबकि सरकार कहती थी 1 अक्टूबर से धान खरीदेंगे तो अभी तक शुरुआत नहीं करी है, सिर्फ पेपरों में ही है जी, फिजिकली नहीं खरीद रही है सरकार, सिर्फ आश्वासन दे रही है। हाँ जी,
नहीं, व्यवस्था तो यहाँ पानी भी नहीं है प्रॉपर पीने के लिए जी। देखो आप, कहीं शौचालय में वो वहाँ पीने का पानी नहीं, कोई सुविधा नहीं किसानों के लिए, कोई किसान भवन नहीं मंडी में, सिर्फ कॉमर्शियल साइट बनी हुई है यहाँ, और किसानों के लिए कोई वो नहीं है। आज बिल्कुल खरीद चालू हो जानी थी, लेकिन हमारे पास बलोड मार्केट कमेटी के लिए किसी किसान का कोई मैसेज नहीं गया है, ना शेड्यूलिंग में किसी का नाम है हमारे पास। तो अभी तक तो कोई खरीद हमारी मंडी में आज की तारीख में सरकार की हुई नहीं है। अगर कल या परसों से खरीद चालू हो जाती तो व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था में क्या है जी? देखिए, व्यवस्था हमारी तरफ से जो मार्केट कमेटी होती है वो सारी तैयार हैं, खरीद एजेंसी को हमने सूचित कर दिया, लेकिन अभी तक कोई खरीद अधिकारी भी मंडी में नहीं पहुंचा है। आज तो हो सकता है कि शायद आज इतवार था, कल से आ जाएँ, क्योंकि शेड्यूल भी कोई नहीं हमारे पास, तो हो सकता है कल से शुरू हो जाए हमारा काम। अगर प्रक्रिया जैसे पहले सालों में चली है बिल्कुल उसी तरह से चलेगी जी, लेकिन एक सुविधा एक्स्ट्रा दी है सरकार ने कि किसान अपनी तारीख मंडी में फसल लेके आने खुद तय कर सकता है। और वही है, जैसे किसान आएगा गेट पे, गेट पास ऑनलाइन जनरेट कर दिया जाएगा, उसके बाद अपनी फसल अंदर लेके जाओ और वहाँ पे डेयरी बनाओ, उसके बाद खरीद ली जाएगी सरकार के द्वारा। धान के रेट आज की डेट गवर्नमेंट के 1940 रुपये पर क्विंटल जो सरकार खरीदती है जी, और अभी 1500-1900 चल रहा है हमारी मंडी में, तो ये 2500 से 3000 रुपए के बीच में चल रहा है लगभग क्वालिटी के हिसाब से। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश की मंडियों के दौरे की शुरुआत की है। इसी के साथ करनाल में एक प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस द्वारा 10 अक्टूबर से करनाल में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम पूरे हरियाणा में चलेगा और इसके तहत पहले संसदीय क्षेत्र और बाद में विधानसभा क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचा जाएगा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि इस कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा व प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते जनता की आवाज उठाई जाएगी। प्रदेश के हर जिले के अंदर कांग्रेस के तमाम विधायक हुड्डा साहब के नेतृत्व में जाएं, उनके साथ, क्योंकि प्रदेश में 15 सांसदों में 14 भाजपा के हैं, एक में विपक्ष के सांसद के रूप में मैं भी शामिल रहूंगा उस कार्यक्रम में, और जनता की बात सुने, हर वर्ग के दुख दर्द की बात सुने। करनाल में वो कार्यक्रम होगा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारी, उसका मूल उद्देश्य वो था, मगर हमने किसान की बात पहले आपसे इसलिए रखी क्योंकि आज का मुद्दा, आज प्रदेश के किसान दर्द में है, पीड़ा में। आज किसानों की फसल की खरीदी शुरू होनी थी, लेकिन आज भी मंडियों में किसान नाखुश दिखाई दिए और एक बार फिर से सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूटा। किसानों का कहना है कि सरकार ने यह कहा था कि पिछली बार की तरह ही इस बार फसल ली जाएगी, पर लेकिन अब सरकार के नए रूल आ गए हैं जिसकी वजह से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि पिछली बार 1 एकड़ जमीन से 32 क्विंटल पर चली गई थी और लेकिन इस बार यह घटाकर 25 कर दी गई और साथ ही मॉइस्चर भी कम कर दिया गया है। इधर कौन सी एजेंसी फिर रही है और मशीन सी लेगा, मॉइस्चर चेक कर रहे हैं, पर जो सरकार ने कहा उस हिसाब से किसानों की संतुष्टि नहीं है। सरकार ने कल कहा था भी जो पिछले साल शेड्यूल था उसी शेड्यूल के हिसाब से फसल खरीदी जाएगी। पिछले साल 33 क्विंटल पर एकड़ का शेड्यूल था, 19 मॉइस्चर का शेड्यूल था, और आओ और अपनी जीरी बेचो, गेट पास गैलपड़ी कटवाओ, इनका होर नमे नमे रूल है सरकार के। हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद आज से शुरू हो गई है। सरकारी खरीद शुरू होने से मंडियों में धान की आवक तेज हो गई है। किसान मंडियों में ट्रॉली पर ट्रॉली लेकर पहुंच रहे हैं। करनाल की मंडी में भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। किसान सुबह से ही गेट पास लेने के लिए धान की ट्रॉली लेकर लाइनों में लगे हुए हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि धान की खरीद शुरू तो हो गई है, लेकिन उन्हें कई कई घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर को धान की सरकारी खरीद होनी थी, लेकिन सरकार ने उसे 11 अक्टूबर कर दिया था, जिसके विरोध में सरकार के सभी विधायकों व मंत्रियों के आवास का किसानों ने घेराव कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने किसानों की बात को मानते हुए 3 अक्टूबर यानी आज से धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी है। धान की खरीद को लेकर करनाल डीसी निशांत कुमार यादव व नगर निगम डिप्टी कमिश्नर गगनदीप सिंह ने भी मंडी का दौरा किया। उन्होंने दावा किया कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी आने नहीं दी जाएगी। जो आज धान की खरीद है, पैडी प्रोक्योरमेंट बिल्कुल स्मूथली चल रही है। आप देखो, आपके सामने ट्रॉली आ रही है और ये शेड्यूल्ड फार्मर आ रहे हैं, जो अनशेड्यूल्ड फार्मर आ रहे हैं
उनके भी हम ई नेम पे गेट पास काट रहे हैं और उनकी शेड्यूलिंग करके उनको भी ई खरीद पे ले लें, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जितने भी किसान अगर बिना पंजीकरण करवाए आ रहे तो उनको भी अंदर आने दिया जा रहा है, उनकी भी बिल्कुल जो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बिल्कुल किसान को गाइड कर रहे हैं कि उनको अपने आप में शेड्यूलिंग में ले लो ये, और हर एक का अगर जो अनशेड्यूल्ड आ रहा है, मैंने जैसे आपको बता दी इन्हें पे हम उसके गेट पास दे रहे हैं और उसके बाद ई खरीद पोर्टल पे हम ले लेंगे उनको। अभी देखिए मंडी में पहुंचेंगे तभी पता चलेगा, अभी तो लाइन में लगे हुए हैं। अभी देखो जाके मॉइस्चर का पंगा डालते हैं क्या डालते हैं, अभी तो देखो लाइनों में लगाया हुआ है। अगर सीधी खरीद अगर शुरू करी होती तो लाइनों में कौन खड़ाता है इतनी लंबी लंबी लाइनों में। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जब 11 अक्टूबर का समय रखा गया था और कल किसानों का आंदोलन हुआ, जगह जगह आंदोलन किया गया, अब 3 अक्टूबर यानी आज से शुरू कर दी गई है, तो क्या लगता है उससे कुछ राहत मिल पाएगी किसान को? हाँ राहत तो मिलेगी, बाकी ये है सरकार ने 11 रखी क्यों, जब 1 का पहले बोला होता, पहले तो उन्होंने 25 का बोला था उसको बढ़ा के 1 कर दिया। सरकार को मेरे ख्याल से कुछ पता नहीं है कि जीरी पकनी किस टाइम पे है, अगर उनको पता होता वो 11 क्यों करते हैं। पोर्टल के माध्यम से अब जो खरीद है वो शुरू होती है तो आपका है पंजीकृत करवाते हैं? हाँ पंजीकृत तो कराया हुआ है, आज की तारीख भी आई है लेकिन अभी तो लाइनों में लगे पड़े हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। करनाल नगर निगम के वार्ड नंबर 7 में आज उपचुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 4:30 तक चलेगा और इसके बाद इसकी मतगणना होगी। यह उपचुनाव भाजपा पार्षद सुदर्शन कालड़ा की मृत्यु होने के बाद खाली हुई पार्षद की सीट के लिए करवाया जा रहा है। 4 बार निर्दलीय पार्षद के रूप में जीत प्राप्त करने वाले सुदर्शन कालड़ा की धर्मपत्नी सरिता कालड़ा भाजपा की टिकट पर इस चुनाव में उतरी हैं। उनके सामने कई विपक्षी पार्टियों का समर्थन हासिल करने वाले आजाद उम्मीदवार नवीन कुमार हैं। इस द्विपक्षीय मुकाबले में 13 बूथ पर नंबर 12,571 वोटर्स मतदान करेंगे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।